अगर आप भी चाहते हैं कि पिक्के भी मैथ्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं। जी हाँ, नमस्कार मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, पिक्के भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको सीटेट से संबंधित वीडियो बनाने जा रहे हैं। यह वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। चलिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 क्वेश्चन प्रायः पेपर वन पेपर टू में पूछा जाता है, जिसमें सीटेट हो या रीट हो, यूपीटेट या एमपी संविदा, बीटेट, यूटेट, जेटेट, एचटेट या सीजीटेट या एचपीटेट का एग्जाम हो। हर एग्जाम में लगभग 30 क्वेश्चन होता है। चलिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। लगभग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें समथिंग 20 चैप्टर है। प्रथम चैप्टर है बाल विकास, सेकेंड में है वृद्धि और विकास, थर्ड में है वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयाम, चार में है वंशानुक्रम एवं वातावरण, फिर है पाँच में अधिगम, छः में है अधिगम के सिद्धांत, सात में बालकों में चिंतन एवं अधिगम, आठ में अभिप्रेरणा एवं अधिगम, नौ में है व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, दस में व्यक्तित्व, ग्यारह में बुद्धि, बारह नंबर में चैप्टर है विशिष्ट बालक, उसके बाद है समायोजन, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना एवं विद्या, सोलह में मूल्यांकन, सत्रह में उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, अठारह में क्रियात्मक अनुसंधान, उन्नीस में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 और 20 में है राष्ट्रीय पाठ्यचर्य रूपरेखा 2005। लगभग यह 20 चैप्टर से 30 प्रश्न पूछा जाता है, जो अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए हम चैप्टर वाइज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का वीडियो बनाएंगे। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर का हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बाल विकास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का अर्थ क्या है। बाल विकास का अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन या बालक का गुणात्मक विकास, व्यक्तित्व में परिवर्तन। चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है? तो बाल विकास का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर टू, बालक का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं ऑप्शन, चलिए फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? तो विज्ञानमयी। बाल विकास की प्रकृति कैसी है? तो विज्ञानमयी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अध्ययन का पिता कौन है। बाल अध्ययन का पिता कौन है? तो स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर थ्री। चलिए हम चैप्टर वाइज वीडियो बनाएंगे। चार नंबर क्वेश्चन, बाल विकास की उपयोगिता है। बाल विकास की उपयोगिता क्या है? बाल निर्देशन में, ये भी सही है। बालकों के स्वभाव को समझने में, ये भी सही है। बालकों के शिक्षण में, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, यानी बाल विकास की उपयोगिता है बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में, बालकों के विकास में और उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? एक में है जिज्ञासा, ये भी सही है। खिलौने में रुचि, ये भी सही है। नवीन पद्धतियाँ, ये भी सही है। डी में उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छः नंबर, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। आत्मनिर्भर होना, ये भी सही है। मित्र मंडली या समूह निर्माण, ये भी सही है। स्वतंत्र होना, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए सात नंबर क्वेश्चन, बाल विकास कब संपन्न होता है। बाल विकास कब संपन्न होता है? तो बाल विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। बाल्यावस्था में संपन्न होता है ऐसी कोई बात नहीं है, सहसभावस्था या किशोरावस्था ऐसी कोई बात नहीं है। तो बाल विकास कब तक चलता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है, सात का तीन। चलिए आठ नंबर क्वेश्चन, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो बाल विकास को चार भागों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर थ्री। बाल विकास के कितने भागों में बांटा गया है?
चार भागों में बटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। नौ नंबर, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की आवश्यकताएँ हैं। चाहिए अवस्थाएँ हैं क्या है, किशोरावस्था ये भी सही है, बाल्यावस्था ये भी सही है, शैशवावस्था ये भी सही है, तो उपर्युक्त तीनों, तो उपर्युक्त तीनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है, तो खेल कूद का मैदान। बच्चे प्रायः खेल में ज़्यादा मन लगाते हैं और खेल कूद का मैदान ही है ऐसा जो बाल विकास को प्रभावित करने का सर्वाधिक उपयुक्त कारक है। चलिए हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, चलिए कहता है बाल विकास में क्या होता है। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ये भी सही है। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया गया है, ये भी सही है। बाल विकास में वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया गया है, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन, ये भी सही है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ये भी सही है। वातावरण के बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, विकास शुरू होता है, विकास कब से शुरू होता है, तो विकास शैशवावस्था से ही शुरू होता है, ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक बल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। विकासात्मक बल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो 14 का आंसर हो जाएगा जीन पियाजे को। किसको माना जाता है, तो जीन पियाजे को माना जाता है। सॉरी, एक क्वेश्चन हम जो भी पढ़े हैं, विकास शुरू होता है जो शैशवावस्था किए थे, यह सही नहीं है। विकास शुरू होता है कब से, प्रसवपूर्व अवस्था से, यानी जब बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है और गर्भ में ही रहता है तब से इसका विकास प्रारंभ होता है। इसका सबसे अच्छा उत्तर होगा प्रसवपूर्व अवस्था से, यानी गर्भावस्था से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु कब कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है, तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, तो बालक का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर, शैशवावस्था में शिशु होता है। शैशवावस्था में शिशु क्या होता है, सामाजिक या आत्मकेंद्रित या संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ या संवेगात्मक रूप से अस्थिर, तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, आत्मकेंद्रित। शैशवावस्था में बालक आत्मकेंद्रित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, कहता है दल समूह में रहने की अवस्था, ये भी सही है। अनुकरण की अवस्था, ये भी सही है। प्रश्न करने की अवस्था, ये सही नहीं है। खेलने की अवस्था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कौन बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थ्री, प्रश्न करने की आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर, उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। उत्तर बाल्य अवस्था के अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है, तो 19 का आंसर हो जाएगा था द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या। 30 का आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, ऑप्शन नंबर चार। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के प्रयुक्त नहीं है, तो निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष सेचित या स्त्री सेचित सामाजिक भूमिकाओं का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर,
कहता है बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, या बालकों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, या बालकों में पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेश जन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए सभी, यानी तीनों क्या हो जाएगा, तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। कहता है विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। तो विकास की प्रक्रिया में ऑप्शन देते हैं दृष्टिकोणों से, स्वभाव, रुचियों, आदतों। तो विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। दृष्टिकोण का भी विकास होता है, भी सही है, स्वभाव का भी विकास होता है, रुचि का भी विकास होता है, और आदत का भी विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। शिक्षा मनोविज्ञान में डैश होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाल्यावस्था, सॉरी। कहता है शिक्षा मनोविज्ञान में डैश होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो 23 का कहता है शैशवावस्था या बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्कावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1, 2 और 3, यानी शैशवावस्था भी होता है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शिक्षा मनोविज्ञान में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। कहता 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की विशेषता है, क्या विशेषता है। बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचार स्वीकार करने में के योग्य नहीं होता, क्योंकि वह अहम केंद्रित नहीं होता, ऑप्शन नंबर 2। 25 का आंसर 2 हो जाएगा। कहता है 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता, तो क्योंकि वह आत्म केंद्रित होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 25 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर चलते हैं। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक का संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 26 का आंसर हो जाएगा 4, माता पिता की, ऑप्शन नंबर 4। 27 नंबर। अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु। 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था की आयु माना जाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। कॉल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है, कॉल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल माना है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है, तो रॉस ने कहा है। किसने कहा है, रॉस ने कहा है, जबकि कॉल एवं ब्रूस ने अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा था रॉस, कॉल और ब्रूस ने अनोखा काल कहा था, जबकि बाल्यावस्था को मिथ्या काल रॉस ने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्यावस्था में पाए जाने वाली प्रवृत्ति या प्रवृत्तियाँ है, इसका आंसर क्या होगा। तो 30 का आंसर हो जाएगा, कहता है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, ये भी सही है, जिज्ञासा की प्रबलता, ये भी सही है, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। 30 का 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। समूह अवस्था या चुस्ती अवस्था किसे कहते हैं, यानी किस अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो टोली आयु, क्योंकि बच्चे सब टोली बना के घूमते हैं, जीवन का अनोखा काल, ये भी सही है, बक्की अवस्था, ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कहता परिपक्व अवस्था, परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं, तो 9 से 12 वर्ष की आयु को परिपक्व बाल्यावस्था कहते हैं, 9 से 12 वर्ष की आयु को परिपक्व बाल्यावस्था कहा जाता है। 34 नंबर।
बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? बाल अवस्था में कौन सी मूल प्रकृति सबसे अधिक क्रियाशील रहता है? तो सामूहिकता, बच्चे समूह में ही कहीं जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में परिपक्व काल की निम्न में कौन सी अवधि माना जाता है? बाल्यावस्था में परिपक्व काल की निम्नलिखित में से कौन सी अवधि माना जाता है? तो 10 से 12 वर्ष, 10 से 12 वर्ष की आयु को बच्चे को बाल्यावस्था का परिपक्व काल माना जाता है। चलिए 35 हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि बाल्यावस्था में बालकों को साहसिक यात्राओं की रोमांचककारी कहानियां सुनाने से उसमें किसका विकास होता है? तो 36 के आंसर हो जाएगा उत्साह का संचार होता है, यानी बच्चों को जब हम रोमांचक वाली कहानी बताते हैं तो उसमें उत्साह का संचार होता है, उसमें जोश जगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? अधिगम की तीव्रता, यह भी सही है। अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यह भी सही है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, यह भी सही है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 नंबर, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा बालकों की बुद्धि एवं रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देते हैं, या प्रकृति को जानकर शिक्षा देते हैं, या आर्थिक स्थिति या पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देते हैं? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए सभी, यानी तीनों कंडीशन को जानने के बाद ही शिक्षक यानी मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चे में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक शिक्षक के लिए। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक अध्ययन है आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, ऐसा नहीं है, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए भी नहीं है, प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाल मनोविज्ञान का शिक्षा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? तो किसको नहीं रखा जाता है? तो शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 नंबर, प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित करने में सहायक है, या बच्चों के परिणाम में उन्नति होती है, या बच्चों को अभी प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बनाया जाता है, या यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है? तो 41 का आंसर होगा, कहता प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर, बाल्यावस्था में विकास को छदम परिपक्वता का समय किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है। किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है, ऑप्शन नंबर 42 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए हम आगे चलते हैं, 43, कहता है प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान आवश्यक है? तो किसका ज्ञान आवश्यक है? तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, अभी हम यह क्वेश्चन पढ़े थे। 44 नंबर क्वेश्चन, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है? तो क्यों जरूरी है, इसमें बच्चों की आधारभूत विशेषता को जानने का अवसर मिलता है, या शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूलन होते हैं, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है, शिक्षण सफल होता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 नंबर, बाल मनोविज्ञान किसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है? बाल मनोविज्ञान किसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 नंबर, कहता है कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक के काल का अध्ययन किया जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन क्रो
एवं क्रो का है। यह कथन क्रो एवं क्रो का है, किसका है? क्रो एवं क्रो का है। चलिए 47 का कथा, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह कथन क्रो एंड क्रो का है। 47 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो 48 का आंसर हो जाएगा डार्विन ने, ऑप्शन नंबर 1। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो डार्विन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? 49 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? तो विलियम हिली के द्वारा खोला गया था। चलिए ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान ए वह विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन है बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ अवस्था तक प्रारंभ करता है। यह कथन किसने दिया है? तो 50 का आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो ने दिया है। यानी बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से, यानी गर्भकाल से स्टार्ट होता है विकास, और किशोरावस्था के प्रारंभ यानी किशोरावस्था के शुरुआत दौर तक चलता है। क्रो एंड क्रो ने यह परिभाषा दी थी बाल मनोविज्ञान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 नंबर, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह किसका कथन है? तो रूसो का कथन है, 51 का, सॉरी 51 का, सॉरी रूसो नहीं होगा, 51 का ड्रेवर ने होगा। किसका होगा? ड्रेवर का कथन है। कथा है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा ड्रेवर ने दी थी। किसने दी थी? ड्रेवर ने दी थी। 51 का 3 आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है, क्या अध्ययन क्षेत्र है? तो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायित्व तो रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदनात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा किल पैट्रिक ने कहा था कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण अवस्था है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? तो सहसवा अवस्था में होती है। बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होता है? तो सहसवा अवस्था में होता है, 54 का ए। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस अध्ययन पर आधारित है? तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। जीन पियाजे का बाल विकास का वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर डी यानी 4। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पिछड़े और गंदे क्षेत्र में लोगों की सेवा के लिए ना जाना, ऑप्शन नंबर 4। पिछड़े व गंदे क्षेत्र में लोगों की सेवा के लिए न जाना बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। चलिए 57, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन हो जाएगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, 57 का 2 हो जाएगा। चलिए 58, कहता है एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है,
बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3। कहता है एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो एकीकरण की अवस्था कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास का अगला वीडियो हम बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि पीके भी मैथ्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बस दुआओं में याद रखना।